ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भर कर लाता था। इसके बाद वो तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बिनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे मना करती थी, फिर भी श्रवण नहीं मानता था। श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो बेटा, तुम भी सारा दिन काम करते करते थक जाते हो। माताश्री, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ, भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। तुम सच कह रही हो, श्रवण जैसा बेटा पाकर हम माता पिता का जीवन सफल हो गया। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। श्रवण उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था, तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है, अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। माताश्री, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। श्रवण बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वो उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उसके पास कोई साधन भी नहीं था, साथ ही उसके माता पिता नेत्रहीन थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो? श्रवण बोला, पिताश्री, माताश्री, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर जरूर लेकर जाऊंगा। श्रवण कुमार उपाय सोचने लगा और उसे एक युक्ति सूझी। श्रवण कुमार दो बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ी सी कांवड़ बना ली। फिर श्रवण कुमार ने उस कांवड़ में अपने माता पिता को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद कांवड़ को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वो लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि वो अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं आपसे नाव में बैठने का मूल्य नहीं ले सकता, आप तो बहुत ही पवित्र आत्मा है, मुझे आपके बारे में पता है, आप श्रवण कुमार हैं। पर आप कुछ तो ले लीजिए, एक काम करता हूँ माँ, वो हमारे पास थोड़ा सत्तू था, लाओ वो इन्हें दे देता हूँ। भैया जी, ये सत्तू आपको राह में काम आएगा, आपके चरणों की धूल मेरी नाव में पड़ गई, मेरे लिए वो किसी धनराशि से कम नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए और यहाँ से अयोध्या नगरी की शुरुआत होती है। यहाँ के राजा दशरथ बहुत ही दयालु हैं, उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम की व्यवस्था की है। आप चलते चलते थक चुके होंगे, आप कुटिया में अपने माता पिता के साथ विश्राम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी है, यहाँ आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। राजा दशरथ की ख्याति तो दूर दूर तक फैली सुनी थी, आज अयोध्या नगरी में हमारे चरण पड़ गए। चलिए पिताश्री, माताश्री, वो सामने विश्राम के लिए कुटिया नजर आ रही है, हम वहीं चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी के पास बनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कहता है। बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ, तुम हमारे लिए हमारी आँखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आँखों से कर लिए हों। श्रवण बेटा, बहुत प्यास लगी है, तुम जाकर पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ। ठीक है माताश्री, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण जल लेने के लिए हाथ में लोटा लेकर नदी की ओर जाता है। उधर राजा दशरथ शिकार पर निकले थे, वो हिरण के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे।
हिरन उनकी आंखों से ओझल हो रहा था। नदी पर श्रवण कुमार अपने लोटे को धोकर जल भरकर अपने हाथ मुंह धोने लगा। पानी में हलचल की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का ज्ञान था। दुर्भाग्य से वो तीर श्रवण कुमार की छाती में लग गया। तीर लगते ही श्रवण चीख पड़ा, माताश्री, पिताश्री, मैंने क्या पाप किया था? मैंने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी जो ये तीर मेरे हृदय को लग गया? हे ईश्वर, ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया? मैंने पशु की भूल में किसी मनुष्य पर निशाना लगा दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं। मैंने ये क्या पाप कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर अपना तीर चलाया था। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। युवक, मुझे क्षमा कर दो। राजा दशरथ, श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे अंतिम क्षणों में बस मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। यहाँ से थोड़ी दूर मेरे माता पिता एक कुटिया में बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप उन तक ये जल पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था, पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी ना कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार के देहांत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। उधर श्रवण कुमार के व्याकुल माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी तक श्रवण जल लेकर नहीं आया, बहुत देर हो गई है। पता नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। ना जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे हैं। किसी तरह राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। वो राजा दशरथ की आहट को पहचान गए। कौन है, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। राजा दशरथ, आप हमारे अपराधी किस तरह से हुए? शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था, वो तीर आपके बेटे श्रवण को चला लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ जल लेकर चला आया। कृपा करके ये जल पी लीजिए। हम प्यासे ही मर जाएंगे, पर तुझ पापी के हत्यारे के हाथों से जल नहीं पी सकते। तुमने हमारे इकलौते बेटे को एक पशु की भांति अपना निशाना बना लिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरा लाल। राजा दशरथ, हम तुम्हें दंड तो नहीं दे सकते, पर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम अपनी जान दे रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़पेगा। नहीं नहीं। और फिर उसी क्षण श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण पखेरु उड़ गए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।